एवरीवन वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्य मैं दुनिया फ्रेंड्स एक्वेरियस का निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं, बहुत कोई कमेंट्स में दे रहे हैं मैम बहुत थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। चलिए अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, पहले मैं पास्ट बताऊँगी फिर प्रेजेंट। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपका मैच कर रहा है देन फ्यूचर भी वैसा ही, ठीक है, ज़रूर होगा, ये चीज़ बिलीव रखें, जनरल रीडिंग है। चलिए जिस भी पर्पज़ से देख रहे हैं, करियर के लिए, मैरिज के लिए, लाइफ में कुछ तो देख रहे हैं। चलिए पास्ट का पहले मैं बताना चाहूँगी उसके बाद प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपका लाइफ ऐसा, यानी कि कहते हैं ना, यानी जो भी काम में अड़चने बहुत आ रही थी आपको, सारा चीज़ करके थक गए, बिल्कुल थक गए हो और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब खत्म हो, ऐसा हुआ है पास्ट में, चाहे लव लाइफ के लिए देख रहे हो, करियर के लिए देख रहे हो, और थक गए हो, परेशान हो गए हो, कहीं से भी कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा था कुछ कि क्या होगा। कुछ ना कुछ पास्ट में आपका फैमिली में कुछ ऐसा इश्यूज हुआ था, जैसे कहते हैं ना एक डर सा बैठ जाना, परेशान हो जाना। बहुत कोई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे बट रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, लव लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं, मैरिड लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं, बहुत कोई ऐसे हुए हैं, परेशान हो गए हैं, बहुत अकेलापन सा फील करते हैं। प्रॉपर्टी में कहीं अगर आपने खरीद बिक्री का किया था उसमें भी शायद लॉस हुआ है, कुछ तो ऐसा दिख रहा है मुझे। बट इन केस ऐसा किसी का हुआ था तो लाइफ में फिर आपकी गाड़ी अब जाके ट्रैक पे आ भी गई है थोड़ी बहुत, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पास्ट का मैंने बताया है और प्रेजेंट का मैं, और अभी भी आप लेकिन रात में उठ उठ के बैठ जाते हो और परेशान हो जाते हो कि क्या होगा फ्यूचर में। अगर ऐसा एक्वेरियस आपके लाइफ में हो रहा है देन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि फ्यूचर लास्ट में निकालूंगी। पास्ट में ऐसा हुआ है इनकेस बहुत बार आप लव लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है धोखा मिला है, कुछ तो ऐसा हुआ है या चीटिंग हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है लव लाइफ में। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप इन एडवाइस की बात सुन रहे हैं और सुनना भी है, ठीक है, बट अभी बहुत जगह आप हो सकता है इंजॉय भी कर रहे हो, खुश भी हो रहे हो अभी का जो है, लेकिन किसी किसी का लव लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिश्ता टूट गया है, ऐसा हुआ है किसी किसी का, या मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बट ये मैं कहूँगी कि अभी अगर ऐसा जिनका भी पास्ट में ऐसा हुआ था और अभी फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है इनकेस, तो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने जिस भी रिलीजन के हैं अपने गॉड को सरेंडर कर दें, क्योंकि ये कार्ड्स में आए हैं, जैसे ही आप सरेंडर करेंगे उसके बाद फ्यूचर बदलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए मैं कहूँ बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है आपके अंदर, कभी कभी अचानक से उठ के रात में बैठ जाते हो और परेशान होते हो, बहुत इनोसेंट हैं आप लोग ऐसा दिख रहा है मुझे। बट देखो डेक में आया है सक्सेस, इन फ्यूचर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, सेलिब्रेशन भी है। अब मैं आपका, अगर जिनका भी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो प्रेजेंट भी अगर इस टाइप का मिल रहा, मैच कर रहा है, देन फ्यूचर कैसा होगा, चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, है ना, फ्यूचर में लव लाइफ कैसा रहेगा। क्योंकि अगर बहुत कोई बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं तो उनका हो सकता है जल्दी हो जाए, है ना, कि बहुत तरह के लोग होते हैं। देखो लव फ्यूचर कैसा होगा, लव लाइफ जिनकी खराब चल रही थी, खराब हो गई थी, मैरिड लाइफ खराब हो गई, उनका बहुत अच्छा रहने वाला है, एक नई शुरुआत कुछ होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है एक्वेरियस आपके लाइफ में फ्यूचर में। और जिनका भी पास्ट और प्रेजेंट मैच कर रहा है तो ज़रूर ये समझे कि आज नहीं हुआ है तो कल ज़रूर होगा। बट कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी आती है आपके इर्द गिर्द, आपका जैसे ही अच्छा होने लगता है तो कहीं ना कहीं से, चाहे नज़र दोष हो, नज़र कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका खुद का भी नज़र कभी कभी लग जाता है, जिस वजह से आपके लिए एक जो है अप एंड डाउन्स होना शुरू हो जाता है, अच्छा होता है फिर खराब शुरू हो जाता है अचानक से, आपको लगता है अब मेरा सब सही होने वाला है, सब चीज़ सही हो जाएगा और फिर खराब होना शुरू हो जाता है। इनकेस ऐसा किसी का होता है तब मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि फ्यूचर ब्राइट है, 19-20 ज़रूर रहेगा मैं अब। और लव लाइफ में बहुत कोई स्टक है ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत स्टक है, मैरिड लाइफ में स्टक है अपने लाइफ को लेके, एक जो कहते हैं ना बहुत कोई नया शुरुआत करते भी हैं फिर दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ऐसा लग रहा है मुझे।
और किसी किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से अगर मैरिज करना चाह रहे थे, या हो सकता है मेडिकल लाइन में या मेडिकल यानी डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा परेशानी और तबीयत खराब चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है तबीयत डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, या कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, लॉयर का कुछ चल रहा है परेशानी, ऐसा कहीं कुछ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ आपके अंतर मन में चल रहा है, हो सकता है या आसपास हो रहा है कुछ लड़ाई झगड़ा, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका अभी। और यंगर है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है कुछ, यानी कि कुछ आपका होप जो आप सोच रहे हो, और मोस्टली का मुझे लग रहा है गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो मैं ये कहूँगी कि फ्यूचर आपका ब्राइट है, पहले भी स्टार आया था और अभी भी आ रहा है, ठीक है। इन केस किसी के लाइफ में ऐसा हुआ है, पैसों की प्रॉब्लम आई है किसी को, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ्यूचर में हो सकता है कि लंबा टाइम भी लगे, लेकिन कहते हैं ना जब गॉड को आप काम कर रहे हो तो उनकी भी नज़र आपके ऊपर पड़ती है, और मैं ये कहूँगी कि जब आप उनको सरेंडर कर देंगे तो आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, चाहे आप फैमिली में हो या बाहर हो, कहीं ना कहीं अड़चनें बहुत आ रही हैं आपके लाइफ में, ऐसा है क्या? है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसा अगर है तो फ्यूचर का मैं इसलिए मैं कहूँ थक गए हैं अपने लाइफ से, थक गए, परेशान हो गए हैं, तो आगे बढ़ें, आगे रास्ता खुल रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कैसा क्या है, क्यों हो रहा है। सेकंड चक्र आपके लाइफ में कुछ आपका जो है चक्र जो कहते हैं ना, सेवन चक्र होते हैं, सेकंड चक्र एक्टिव करने की जरूरत है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं किसी किसी का होता है सेकेंड चक्र कैसे एक्टिव करें, इसलिए कहा जा रहा है अभी फिलहाल के लिए आपको सेकेंड चक्र एक्टिव करनी है। कुछ डेविल एनर्जी आपके आसपास घूम रही है ऐसा दिख रहा है मुझे, बिल्कुल आ रही है, कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत, नेगेटिव बहुत सोचते हो, का अच्छा होता है फिर कहीं कुछ गड़बड़, फिर नेगेटिव हो जाते हो जिस वजह से परेशानियाँ आपको आती हैं। ये नन यंग का आया है कार्ड, लव लाइफ आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, दिल से आप सोचते हो और मुझे ऐसा लग रहा है आपको हार्ट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है बहुत फंसे पड़े हैं, बहुत अटके पड़े हैं, ऐसा दिख रहा है बिल्कुल कार्ड्स में अभी भी हैं। चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, ये सारी बातें मैंने जो बताई हैं आपके गॉड कैसे इस चीज़ को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, चलिए देखते हैं और ठीक होगा तो कैसे होगा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपके गॉड दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी फर्स्ट कार्ड ही आया है, अपॉर्चुनिटी गॉड कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है जीवन। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका पहले भी कार्ड आया था, अपने इनर वॉइस को ज़रूर सुने, अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर वर्क करें, जैसे अचानक कुछ मैं दिमाग में आता है ना कि ये काम कर लूँ तो कर लेना उस चीज़। इन द नियर फ्यूचर आपका ब्राइटनेस है, इन द नियर फ्यूचर में आप अगर अपने सोल की बात सोचेंगे, इसलिए हार्ट चक्र और सेकंड चक्र पे काम करना है, परफेक्ट टाइमिंग आ गई है अभी, ठीक है। और पास्ट का जो भी है उसको लेट गो करें, देखिए कार्ड वन बाय वन वैसे ही आ रहे हैं, लेट गो कर दें पास्ट का जो भी है, तभी आप सक्सेस जीवन में पाएंगे। सक्सेस का भी कार्ड था डेक में, नो नीड टू वरी, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, पॉजिटिव जरूर रहें, टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन में रहना है। परेशान होते हैं, हो सकता है कोई काम आपका, हो सकता है वीक्स में, फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है, ये आपको ही पता होगा। मेडिटेशन ज़रूर करें और थोड़ा सा अकेले बैठ के शांति से अपना मोबाइल टीवी सब चीज़ से दूर होके शांत मुद्रा में कहीं शांति से बैठें, एक्वेरस ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा जैसे कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि अति कष्ट, कष्ट बहुत देखा ऐसा मुझे लग रहा है, या मे बी अभी अभी है भी ऐसा, चल भी रहा है बहुतों के लाइफ में, बहुत कोई इन्जॉय भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, इन्जॉय भी कर रहे हैं बहुत कोई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स होते हैं जिस वजह से आपके दिमाग में निगेटिविटी भर जाती है और जो आपको नुकसान देता है। तो गॉड ने वन बाय वन वैसे ही कार्ड निकाले हैं और उस चीज़ पे वर्क ज़रूर करें। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, तब किसी और का भी भला हो फ्रेंड्स, थैंक यू।